हेलो फ्रेंड, ओप्पो मोबाइल का पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक कैसे तोड़े। जी हाँ फ्रेंड, अक्सर बंदे का फोन कोई भी ओप्पो का हैंडसेट लॉक हो जाए तो यूट्यूब पे आके पहले वही सर्च करता है कि ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े या ओप्पो मोबाइल का पासवर्ड लॉक कैसे तोड़े। तो फ्रेंड, आज ही इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि अगर आप ओप्पो का हैंडसेट यूज करते हो, ओप्पो का कोई भी मॉडल, और ओप्पो का मोबाइल आपसे गलती से लॉक हो गया हो पासवर्ड में, पिन लॉक में, पैटर्न लॉक में, और आप अपने हैंडसेट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, इसे किस तरह से अनलॉक करते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड, अगर आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इस वीडियो में ना आपका पैसा वेस्ट होगा और ना ही टाइम वेस्ट होगा और ना ही डाटा डिलीट होगा। आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो ओप्पो मोबाइल में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए पहला मेथड हमें क्या करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे फ़ोन का एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन है। आप भी अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन रखना, नहीं तो सिम कार्ड को निकाल देना। बस इतना काम करने के बाद यहाँ पे पावर बटन देख रहे हो, पावर बटन को क्लिक करके आप मोबाइल को ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा बस एक बार। इतना काम करने के बाद आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी लॉक रहे आपके फ़ोन में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे एक कोड आपको दिया जाएगा सर्विस सेंटर का, बस ये कोड अपने फ़ोन में डायल कर लीजिए, ठीक है ना। ये कोड अपने फ़ोन में डायल करते ही आपको एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो ये कोड को एक बार अपने फ़ोन में डायल करने के बाद मिला लेना कि कोई भी अंग आपका छूट तो नहीं रहा है ना, ठीक है ना। अगर कोई भी अंग आपसे छूट जाता है तो आपका पूरा का पूरा मेहनत जो होता है वो वेस्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कोड डायल करने के बाद कॉल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा और इस कोड को इरेज कर लेना होगा। बस इतना काम करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना पड़ेगा और यहाँ अपने फ़ोन में *#899# ये कोड डायल करते ही हम लोग इंजीनियर मोड के फाइल पे आ जाएंगे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन का ऑप्शन मिलेगा 5 नंबर पे, आप लोग देख रहे हो, अपने स्क्रीन पे भी देखना। तो सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कर देना होगा। सॉफ्टवेयर वर्जन के सेकंड में देखिएगा एंड्रॉयड वर्जन लिखा होगा, एंड्रॉयड वर्जन के नीचे लिखा होगा 12। तो फ्रेंड, अगर कोई भी बंदा का फोन में 12 लिखा हो, 13 हो, 13 से अधिक हो, 12 से कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके फ़ोन में जितना आपको दिख रहा है उतने बार आपको क्लिक कर देना है। मेरे फ़ोन में तो 12 बार दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो मैं 12 टाइम इसे क्लिक करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 टाइम क्लिक करने के बाद इसे बैक कर लेना, मैनुअल टेस्ट को ओपन करना, सेकेंड नंबर डिवाइस पे जाना, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक कर देना, टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, होम बटन क्लिक कर दीजिएगा, आपका ओप्पो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।